मनोज तिवारी खुद अपने आईने में झांकना चाहिए कि कितना गंदा उन्होंने गाना परोसा है, कितना गाना परोसा है भोजपुरी के नाम पे, और उसी से वो लाइम लाइट में आए। नेहा ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो हमारे लिए मुद्दे उठाए गए हैं, जनता के लिए मुद्दे उठाए हैं, इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान और मजदूर किसान सब के लिए नेहा ने मुद्दा उठाया है। नेहा सिंह राठौर हमारी गाँव की बहू है, हमारी बहू भी लगती है। नेहा सिंह को कोई गाली देता है तो समझ लीजिए हमको गाली दिया। जिस चीज से मनोज तिवारी लड़ते हैं वहाँ पूर्वांचल के लोग अत्यधिक रहते हैं, तो इस वजह से उसमें नेहा सिंह अच्छा पैठ बना सकती हैं। चाल चलन तक पे लोग चरित्र और चाल चलन पे लोग इस फप्तियां कर रहे हैं। भाजपा की नहायत गलत है, भाजपा के लोगों का पुराना खेल है, वो हमेशा यही करते हैं। नेहा सिंह राठौर पश्चिमी महिलाओं को खड़ा होना चाहिए। हाल ही में जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि वो दिल्ली से किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, और किसके खिलाफ, मनोज तिवारी मंजूर के खिलाफ। और जब से ये खबर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर लगातार उनको लोग उनसे लोग गाली गलौज कर रहे हैं, दुनिया भर की और बहुत हद तक गाली गलौज कर रहे हैं। मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर में हूँ और जिस जगह हूँ यहाँ पर उस गाँव के लोग हैं और ये अम्बेडकर नगर इनकी ससुराल है। हम देखते हैं किस तरह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य में जाते हैं, उत्तर प्रदेश आए, राजस्थान जाए, हरियाणा जाए, तो अपना एक नाता उनका रहता है कि मैं हरियाणा में आया था तो ये किया था, यूपी में आया था तो ये है, कि अपना एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में एक बार ऐसा हुआ था कि वो राजस्थान गए हुए थे, वहां पर उन्होंने एक बात बोली कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी जो माँ थी गुजराती थी। मतलब इस तरह अपना तो कनेक्शन वो जोड़ते ही है, साथ में साथ गुजरात से भी कनेक्शन जोड़ते हैं। तो नेहा सिंह राठौर को लेकर बात करेंगे, जिस तरह भाजपा के लोग उनके गाली गलौज कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और उस पार्टी के खिलाफ जो अपने आप को सुसंस्कृत पार्टी बताती है और दुनिया भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के सम्मान के लिए बात कर लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और तो आखिर क्या इन लोगों का मानना है, अम्बेडकर नगर के लोगों का मानना है, खासतौर पर जो उनके ससुराल वाले हैं, जो उनके गाँव ससुराल के गाँव के वाले हैं, वो लोग क्या मान रहे हैं? रमेश सिंह जी से बात करेंगे पहले तो जी। देखिए, नेहा वैसे तो हमारी बहू लगती है, हम उसके मामा लगते हैं, हम अगर कुछ कहें तो ये होगा कि उसके पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा या एक समुदाय विशेष लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग जो बोल रहे हैं, उनका मनोज तिवारी खुद अपने आईने में झांकना चाहिए कि कितना गंदा उन्होंने गाना परोसा है, कितना गाना परोसा है भोजपुरी के नाम पे, और उसी से वो लाइम लाइट में आए। और नेहा सिंह राठौर की उनकी तुलना जरा भी नहीं हो सकती भाई साहब, उनकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि उन्होंने, नेहा ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो हमारे लिए मुद्दे उठाए गए हैं, जनता के लिए मुद्दे उठाए हैं, इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान और मजदूर किसान सब के लिए नेहा ने मुद्दा उठाया है। और मनोज तिवारी क्या करके आए हैं आप खुद जानते हैं, यही सब है। और गाली देना और एक क्या नाम है वो गोल बंद होके किसी को आक्षेप करना, ये तो बहुत निंदनीय है हमारे तरफ। आपको लगता है कि आपका शुभ नाम क्या है? महेश विश्वकर्मा। आप एक बात बताइए कि आपके बहू जो है यहाँ जो हेड़ी पगड़िया की दिल्ली से चुनाव लड़ने की चर्चा है उनकी, और भी कांग्रेस के टिकट पर, जब से खबर आई है तब से इस तरह की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? अब व्यक्तिगत देखा जाए तो उनका अपना होगा कि राजनीति पकड़ होगी या फिर लड़ रही हैं तो अच्छा कर रही हैं, कांग्रेस जैसे पार्टी से लड़ रही हैं तो ठीक ही होगा। तो ये गाली गलौज जो हो रहा है आपको लगता है कि वो तो अपना राजनीति सिद्ध करना, वो अब चपकाने के लिए कुछ भी, मनोज तिवारी जैसे गायक और ये गाना गाते हैं कि वोटर बीआरपी के नाचत हुई है छम्मा छम्मा छम, ऐसे फुगर गाना गाने के बाद भी आप नेहा सिंह राठौर को ऐसे कहना, ये एक तरफ से पार्टीबद्ध है। और बाकी आपका क्या नाम है? रामवरण विश्वकर्मा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? नेहा सिंह हमारे गांव के बहू हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, बहुत
दुर्घटना जो दुर्भाग्य की बात है, हमारे गांव की बहू इलेक्शन में ठार हो जाए और जीत के आए, कांग्रेस पार्टी से, बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, आज नहीं बहुत दिनों से है, हम लोग पैदा नहीं हुए थे, आज 62 साल उम्र है हमारा, वो कांग्रेस पार्टी से जीत चुनाव लड़ रही है, तो हमारे गांव के लिए, हमारे जिला के लिए बहुत गर्व की बात है। नेहा सिंह राठौर हमारी गांव की बहू हैं, हमारी बहू भी लगती है, और नेहा सिंह को कोई गाली देता है तो समझ लीजिए हमको गाली दिया। आपको लगता है कि जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने उन तमाम मसलों को उठाया है, बेरोजगारी का मसला हो, और जिस तरह से आप देखिए जो प्रतियोगी छात्र हैं जब उनको लाठियां पड़ती हैं वहां पर, इन सब सारे पर, इन सारे मसलों पर उन्होंने वीडियो बनाए हैं, गाने बनाए हैं, कुछ गलत कर दिया है क्या उन्होंने? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं किया है, वीडियो तो शिक्षित वाले जो शिक्षित रहेगा वो हर बात समझेगा, गलत काम तो किया नहीं, कोई गलत बात नहीं बोला, शिक्षा के लिए कोई आवाज उठाया है तो अच्छी बात है, बेरोजगारी इतना है, 60 साल 65 साल 70 साल के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत धूप में मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको हमारी ख्याल से बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। आपको लगता है कि जो बेरोजगारी का जो जो मुद्दा है, हम अपने आसपास देख भी रहे हैं बहुत सारे युवाओं को किस तरह से, अब पहले सरकारी नौकरी की बात हटा दीजिए, अब तो प्राइवेट नौकरी, अब हम तो खुद एक बेरोजगार ही हैं अभी, इसलिए हम खुद जानते हैं बाहर सरकारी नौकरी के लिए पीछे इधर उधर भागो, फिर उसके बाद प्राइवेट नौकरियों के लिए कंपनी जाओ, अपना रिज्यूम करो, लेकिन जबकि हम लोग उस कैटेगरी में हैं तब भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए जो शिक्षित रहेगा ना वही आवाज उठा सकता है। उनका क्या है, भाजपा सरकार क्या के सोचती है कि शिक्षा जड़ से खत्म हो तभी तो उनकी जय जयकार होगी, अब यही चल रहा है। अब नेहा सिंह राठौर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, उनको ये लगा होगा कि हाँ शिक्षा में दुर्व्यवहार चल रहा है, कैटेगरी कास्ट वाइज चल रहा है, निम्न कौल के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, मतलब आपको लगता है कि चीजें गलत हुई उनके साथ। रमेश जी से दोबारा हम बात करेंगे, और हमें तो भाई बहुत गलत लग रहा है, और वो लड़की जिस तरीके से समाज के लिए आवाज उठा रही है, वो आप समझ लीजिए कि वीरांगना टाइप की है, वो अपने अंदर उसके अंदर है, गट्स है, ये जो गोल बंद कर रहे हैं मनोज तिवारी या जो भी भाजपा का हो या जो इस तरीके का उनको लग रहा हो कि ये गलत कर रही है, तो नेहा ने हमें तो लग रहा है कि आज तक कोई ऐसी कोई किसी गलत मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं की, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम इसी तरीके के मुद्दे को उठाया उन्होंने, हाँ जब लाठी चार्ज हो रहा था जी जी छात्रों के जी, इसी तरीके के मुद्दे उन्होंने उठाया है, और हमें तो कोई गलत नहीं लगता है, और मनोज तिवारी की जो छवि बनी है, हम जो जानते हैं, जब से मनोज को जानते हैं, वो यही फूहड़पन गानों से मनोज तिवारी को जानते हैं, इनकी उनकी कोई तुलना मुझे नहीं लगती है, और इधर ही दिखाओ रही मनोज तिवारी को मुझे लगता है कि डर है, चूंकि जिस सीट से मनोज तिवारी लड़ते हैं वहाँ पूर्वांचल के लोग अत्यधिक रहते हैं, तो इस वजह से उसमें नेहा सिंह अच्छा पैठ बना सकती हैं, और पैठ बनाने की वजह से उनको डर लग रहा है, निहायत रूप से डर लग रहा है, इस वजह से इस तरीके से लामबंदी चल रही, गोलबंदी चल रही, पूरा तरीके से उसको जो है लोग आक्षेप लगा रहे हैं तमाम तरीके तरह तरह के, और उसके मतलब चाल चलन तक पे लोग चरित्र और चाल चलन पे लोग इस फप्तियां कर रहे हैं, भाजपा की निहायत गलत है, भाजपा के लोगों का पुराना खेल है, वो हमेशा यही करते हैं इस तरीके से, किसी चरित्र पे उंगली उठा देना, किसी को कुछ कर देना, लामबंदी कर लेना किसी प्रति, ये गलत है, निश्चित रूप से गलत है, इस तरीके से हम तो भाजपा के समर्थक रहे हैं,
लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमारे गांव की बहू के प्रति जो ये रवैया चल रहा है इनका, मैं तो इस वजह से भाई भाजपा के खिलाफ हूँ इस बात को लेकर। आपको लगता है जो कंगना रनौत वाले मसले पर जब सुप्रिया श्रीनेत ने वो ट्वीट किया, मतलब उन्होंने ट्वीट किया, उनका कहना है कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया, जहाँ तक मैं सुप्रिया श्रीनेत को देख रहा हूँ, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो काफी पढ़ी लिखी हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, वो इस तरह के ट्वीट नहीं करेंगी, इसके बाद ट्वीट वो डिलीट करती हैं। महिला आयोग तक संज्ञान ले लिया है कंगना रनौत वाले, मतलब वहाँ दिन भर ये सब चल रहा है, पिछले मतलब मैं 10-12 दिन से लगातार देख रहा हूँ ट्विटर पर, कोई संज्ञान नहीं लिया महिला आयोग ने। नहीं देखिए यही ये चीज देखिए ये कि एक मान लीजिए उन्होंने एक पोस्ट श्रीनेत ने किया या उनके ट्विटर हैंडल से हुआ, ये तो बात समझ में आती कि हो सकता है किसी से हुआ हो, जिस तरीके से महिला आयोग ने या लोगों ने संज्ञान लिया है उस बात को लेकर। वैसे तो नेहा सिंह राठौर पक्ष में भी महिला आयोग को खड़ा होना चाहिए, क्या नेहा सिंह अब यहाँ महिला नहीं महिला आयोग को समझना चाहिए इस तरीके की, ये महिला आयोग नेहा सिंह राठौर के पक्ष में भी तो खड़ा होना चाहिए। तो ये दोगली मुझे राजनीति लगती है, इस तरीके का किसी को हारेस करना मुझे उचित नहीं लगता है। आज से 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हुए थे, उस वक्त में आप उनके बारे में क्या सोचते थे, आज उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए मोदी जी के बारे में मान लीजिए कुछ कहना, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में कहना कुछ नहीं लगता, ये लगता है कि मझे नेता है, वो अपने वाकपटुता से लोगों में पैठ बनाए हैं। बाकी जो है जैसे कुछ मुद्दों पे है उनका रवैया अच्छा है, लेकिन ये है कि बहुत दिन तक लालीपॉप नहीं चल पाएगा, बहुत दिन तक कोई चीज जनता को पकड़ाए रखना मुझे तो नहीं लगता बहुत दिन तक चलेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे रमेश सिंह जी से, और आप हिड़ी पकड़िया के रहने वाले हैं, उस गांव के जिस गांव में नेहा सिंह राठौर की शादी हो रही थी हुई है, आप देख रहे थे शैलेंद्र से लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।